Assalamu alaikum. Main Professor Inayatullah Khan, neurosurgeon, Advanced International Hospital से बातें कर रहा हूँ. Recently हमने एक surgery perform की जो जिसकी रसूली दिमाग के नाजुक तरीन हिस्से में थी और मतलब नाजुक तरीन हिस्से से मतलब ये कि वो power control center में थी जिसकी वजह से उसका एक साइड कमज़ोर हो सकता था. तो इसलिए हमने स्पेशल इक्विपमेंट जिसको न्यूरो नेविगेशन कहते हैं उसके ज़रिए परफॉर्म किया. ऑपरेशन के दौरान हमने मरीज को सुलाए बगैर ये सर्जरी परफॉर्म की और हम थ्रू आउट द प्रोसीजर मरीज से बातें करते रहे और थ्रू आउट द प्रोसीजर उसको कहते हैं कि जो अपोजिट साइड था जिधर हम सर्जरी करते हैं. चूँकि अपनी सेहत से मुतालिक मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं. क्योंकि जिस साइड से हम सर्जरी करते हैं वो बॉडी का उल्टा साइड कंट्रोल करते हैं. तो हमने मुसलसल सर्जरी के दौरान उसे कहें कि बाजू हिलाओ, टांगे हिलाओ और हम ट्यूमर निकालते रहें इस हद तक कि हमने कंप्लीट ट्यूमर एक्सीजन किया. और एंड ऑफ द प्रोसीजर पे हमने चूँकि फिर वो अवेक सर्जरी की थी, इसको अवेक ब्रेन ट्यूमर सर्जरी कहते हैं, तो वो परफॉर्म करने के बाद मरीज बिल्कुल होश में था, बातें कर रहा था, बाजू भी हिला रहा था, टांगे भी हिला रहा था और वो उसको महसूस भी नहीं हुआ कि उसकी सर्जरी परफॉर्म हुई. इतनी ज़बरदस्त हमारी न्यूरोसर्जिकल टीम ने जो एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अवेलेबल है परफॉर्म की कि मैं फिर कहूँगा कि बिल्कुल महसूस नहीं हुआ. और मरीज़ 3-4 घंटे के बाद बिल्कुल चल फिर रहा था, बातें कर रहा था. तो जहाँ तक सर्जरी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी का ताल्लुक है उसमें ठीक है, सर्जन की एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ इक्विपमेंट की भी बहुत ज़रूरत है जो एडवांस इंटरनेशनल में अवेलेबल है. तो मैं सब जितने भी लोग ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में इंटरेस्टेड है या निकालना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो ऐसे हॉस्पिटल जाए जिसमें सर्जन की एक्सपीरियंस के साथ साथ रिसेंटली इक्विप हॉस्पिटल पे हो जिसमें मसलन जो मैं कह रहा हूँ अवेक सर्जरी की फैसिलिटी मौजूद हो, दूसरा न्यूरो नेविगेशन सिस्टम अवेलेबल हो ताकि आप प्रिसाइजली छोटे से कट से उधर जाएं, ट्यूमर निकालें. और छोटे कट के मैं फिर कहूँगा जितना छोटा कट होगा तो ऑपरेशन के बाद जो ऑपरेशन की वजह से सर में या जो वूंड होता है उसमें दर्द होता है वो बहुत कम होता है. दूसरा उसमें इन्फेक्शन का रिस्क भी बहुत कम होता है. और तीसरा यह है कि मरीज़ नेक्स्ट डे या एक या दो दिन के बाद घर जा सकता है. तो इसलिए हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाते हैं, मरीज़ कंफर्टेबल रहता है, दर्द नहीं होता और मरीज़ की रिकवरी भी जल्द हो जाती है. और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है न्यूरो नेविगेशन की वजह से कि मरीज़ को जो फालिज का ख़तरा होता है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 0% हो जाता है. तो ये सबसे ज़रूरी बात है. और जो आखिर में है कि इसके ज़रिए आप कम्प्लीटली ट्यूमर को एक्साइज कर सकते हैं. थैंक यू.